अब देखो, कहने के लिए अगर आपको श्रीराम फाइनेंस से लोन चाहिए तो आपने बहुत ही बेहतरीन वीडियो पे क्लिक किया है। अब देखो, आपका ज्यादा टाइम नहीं खाऊंगा क्योंकि इस वीडियो में आपको श्रीराम फाइनेंस से कैसे लोन अप्लाई करते हैं पूरा प्रोसीजर सिखाने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक वॉच कर लेते हैं तो श्रीराम फाइनेंस लोन के बारे में आपका कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए इसी वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो, श्रीराम फाइनेंस से लोन लेने के लिए आप हमारा जो वीडियो देख रहे हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां पे मैंने आपको श्रीराम फाइनेंस पर्सनल लोन का अप्लाई लिंक दिया है। एक बार जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। पेज को जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके लोन के बारे में कंप्लीट एलिजिबिलिटी दिखाई जाएगी और यहाँ पे आपको लोन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। आप ये लोन या फिर भविष्य में कोई भी लोन अप्लाई करो तो सबसे पहले आप एलिजिबिलिटी जरूर से चेक कर लेना और यहाँ पे आपसे क्या मांगा जा रहा है ये भी आप समझ लेना। श्रीराम फाइनेंस के अंदर आपको अप टू 15 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन दिया जाता है। यहाँ पे क्विक डिसबर्सल है, 72 घंटे के अंदर लोन का पैसा अपने बैंक अकाउंट के अंदर आप ट्रांसफर कर पाएंगे। इसके अंदर आपको 12 महीनों से लेकर पूरे 5 साल तक टाइम मिल जाता है जिसमें आप लोन के पैसे को वापस कर सकते हैं। बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट का तो 12% पर एनम के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है, तो महीने का 1% और प्रोसेसिंग फी इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। अब देखो, ये जो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देख रहे हो ये आगे बढ़ते रहता है घटते रहता है क्योंकि बेसिकली ये क्रेडिट प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सिविल की माँ बहन आप नहीं की हो तो अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये जो इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लिए हैं, अब आखिर श्रीराम फाइनेंस के अंदर लोन अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अप्लाई ऑनलाइन का एक टैब इन्होंने बनाया है, तो आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। पहले स्टेप के अंदर आपसे आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर पूछा जाता है और इसी के अंदर बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं जब वो लोन अप्लाई कर रहे हैं। तब यहाँ पे आपको वो नंबर देना है जो आपके पैन कार्ड के साथ लिंक हो, आपके सिविल के साथ लिंक हो, क्योंकि आपको आसानी से एक अच्छा लोन अमाउंट मिल जाएगा क्योंकि आसानी से आपका सिविल यहाँ पे चेक हो पाएगा। नीचे आओगे तो यहाँ पे आप अपनी रेसिडेंशियल पिन कोड, जिस पिन कोड पे आप रहते हैं वो पिन कोड आपको बताना और लोन अमाउंट आपको कितना चाहिए वो आपको यहाँ पे बताना है। मैक्सिमम 15 लाख है तो यहाँ पे आपको जितना लोन अमाउंट चाहिए आप अपने हिसाब से फिल करेंगे और अप्लाई नाउ वाले आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। एक बार जैसे ही अपना मोबाइल नंबर डाल के आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आपके नंबर पे श्रीराम फाइनेंस एक 6 अंक का ओटीपी सेंड करता है। अपने ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल कर देना है। ओटीपी फिल करेंगे, वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपका नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा। 3 स्टेप के अंदर आपका लोन यहाँ से अप्लाई किया जाएगा। तो पहले स्टेप के अंदर यहाँ पे आपसे आपकी पैन कार्ड पूछी जाती है, तो अपना पैन नंबर आपको फिल करना है और दोबारा से आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एक बार जैसे ही अपनी पैन नंबर आप डाल लेते हो, श्रीराम फाइनेंस आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी जेंडर सब कुछ आपको बता दिया जाता है, आपके पैन कार्ड से ये डाटा ले लेता है। नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है। फिर से आपको वो गलती नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल ईमेल आईडी फिल करनी है और ईमेल आईडी फिल करने के बाद नीचे आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके नीचे आपसे ये पूछता है कि यहाँ पे हमने 5 लाख रुपए के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पूछ रहा है लोन टेन्योर की आप कितने टाइम के लिए लोन लेना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे जितने टाइम के अंदर आप जितना ईएमआई बनवाना चाहते हैं वो ईएमआई यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने 24 ईएमआई सेलेक्ट किया है, 2 साल के अंदर इस पैसे को हम वापस करेंगे। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एक बार कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारी एड्रेस डिटेल्स हमें देखने को मिला हुआ है। बेसिकली ये हमारे पैन कार्ड से डिटेक्ट किया है जिसमें आपका एड्रेस, यहाँ पे आपकी पिन कोड, आपकी सिटी सब कुछ आपके स्क्रीन पे आ गई है। यहाँ पे आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके नीचे ये पूछता है कि ऊपर हम आपको जो एड्रेस बता रहे हैं ये आपका परमानेंट करंट एड्रेस दोनों है या फिर आपका ये परमानेंट एड्रेस है या फिर आप जहाँ पे रह रहे हैं वो एड्रेस है, तो यहाँ पे आप वो सेलेक्ट करेंगे। उसके नीचे आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप ये जो एड्रेस है इसी एड्रेस के अंदर रहते हैं, तो यहाँ पे आप यस नो कर सकते हैं। रेसिडेंस टाइप में ये घर किसका है, रेंट पे है या आपकी खुद की है या आपने कंपनी ने प्रोवाइड किया है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको बताना है। कितने टाइम से रह रहे हैं ये बताना है और ऑक्यूपेशन के अंदर आप क्या काम करते हैं आपको ये बताना है। सारे इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके सामने थैंक यू का पेज आ चुका है जिसमें आप देख सकते हो आवर एग्जीक्यूटिव विल कॉल यू शॉर्टली फॉर असिस्ट फॉर फर्दर। बेसिकली यहाँ पे आपकी जो भी डिटेल है उसे यहाँ पे कंप्लीट फिल कर ली गई है। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल श्रीराम फाइनेंस को फॉरवर्ड कर दिया गया है। अब इनके जो लोन एग्जीक्यूटिव है वो आपको कॉल करेंगे, कॉल पे आपकी केवाईसी डॉक्यूमेंट मांगी जाएगी जैसे कि आपकी आधार कार्ड, पैन कार्ड। अगर आपने सैलरी फिल किया होगा उस केस में आपसे सैलरी यहाँ पे पूछी जा सकती है। अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया है तो आपसे बैंक स्टेटमेंट भी लिया जा सकता है।
कागजी कार्रवाई कंप्लीट होने के बाद 72 घंटे के अंदर आपका लोन का पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके लिए वो लोग आपसे आपकी बैंक डिटेल भी मांगेंगे। श्रीराम फाइनेंस के अंदर ही मैन्युअली आपको अपनी बैंक डिटेल फिल कर देनी है। तो एक बार डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद आपका लोन यहां पे प्रोसेस कर दिया जाएगा। तो देखिए श्रीराम फाइनेंस के अंदर कैसे लोन अप्लाई करना है, हमें उम्मीद है हमने आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट स्टेप्स बताए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको श्रीराम फाइनेंस पर्सनल लोन के बारे में अभी भी कोई डाउट बच चुका है तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।